dear students in this module we are going to discuss the process of screening and allocation from conflict perspective screening and allocation refers to the process by which individuals are sorted and allocated into different positions and roles in society often based on their qualifications and credentials in conflict perspective Screening and allocation is seen as a means of reproducing and reinforcing existing social inequalities, as those with greater access to resources and opportunities are more likely to succeed in the screening process. Screening or allocation, which is in modern societies, is a process in which हमें एजुकेशन सिस्टम में प्रिपेयर किया जाता है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेड्स या ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ले सकें और उनकी बुनियाद के ऊपर लेटर ऑन जो है वो हमारी एबिलिटीज़ और कैपेबिलिटीज को जज किया जाता है तो कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव जो है इसके हवाले से एक क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू रखता है और उनके ख़्याल में ये प्रोसेस ही बजात खुद जो है वो इनक्वालिटी के ऊपर मबनी होता है इसकी बड़ी वजह ये होती है कि सारे बच्चों को एजुकेशन सिस्टम के अंदर इस्यूम किया जाता है कि ये सब के पास कंपटीशन की इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं हालांकि हकीकत में ऐसा नहीं होता सारे बच्चे जो हैं वो एक ही कल्चरल बैकग्राउंड से नहीं आए होते हैं एक ही तरह के सोशलाइज़ेशन प्रोसेस से नहीं गुज़रे होते हैं और एक ही तरह की मेंटल और फिज़िकल कैपेबिलिटीज़ नहीं रखते हैं तो इन सारे डिफरेंसेस को चूँकि एजुकेशन सिस्टम जनरली इग्नोर करके उन सब को जो है वो एक ही तरह के कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट से गुज़ारता है और एट दी एंड उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि इस सारे स्क्रीनिंग प्रोसेस से गुज़र के जो है वो कम्पीट करते हुए एक ख़ास पोजिशन के ऊपर पहुँचें पाकिस्तान में हम इसकी मिसाल इस तरह से ले सकते हैं कि ऐसे बच्चे जिनको कोचिंग uh, एकेडमीज़ की फैसिलिटी अवेलेबल होती है उनके पास ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है ज़्यादा नंबर uh, हासिल करने की और ज़्यादा ग्रेड्स हायर ग्रेड्स हासिल करने की एज़ कम्पेयर टू उन बच्चों के, के जिनके पास जो है पैसे की कमी की वजह से या गुरबत की वजह से कोचिंग सेंटर को वो अफोर्ड नहीं कर सकते होते इसी तरह से जब हम लैंगवेज फेरियर की बात करें तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर जो मीडियम ऑफ कम्यूनिकेशन है एक्डेमिक uh, इंस्टीट्यूशन के अंदर जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो चूँकि इंग्लिश है तो इंग्लिश लैंग्वेज को के ऊपर जो ज़्यादा फोकस होता है वो मॉडर्न अलीट क्लास या एट स्कूल सिस्टम का होता है इस वजह से उन बच्चों के पास जो है ये ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है उनके लिए कि वो ऐसे सिस्टम के अंदर बेहतर तौर पे कम्पीट कर सकें वो ज़्यादा अच्छे ग्रेड्स या पॉइंट्स हासिल कर सकें एज़ कम्पेयर टू उन बच्चों के जो कि पब्लिक एजुकेशन सिस्टम से आए होते हैं तो ये कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इसको स्क्रीनिंग और एलोकेशन के प्रोसेस को जो है बड़ा वेहमेंटली अपोज किया जाता है क्योंकि इसके अंदर जो पोशीदा इनक्वालिटीज हैं वो अल्टीमेटली दे लीड टू इनजस्टिस इन द सोसाइटी सो इन पाकिस्तान इफ वी सी दैट द एजुकेशन सिस्टम प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन स्क्रीनिंग एंड एलोकेशन ऑफ इंडिविजुअल्स इन टू डिफरेंट पोजिशन एंड रोल्स इन द सोसाइटी कॉन्फ्लिक्टिव सजेस्ट दैट एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान इज बाइस्ड टूअर्स दोज With greater resources and opportunities, and it also reinforces the existing social inequalities. So, at the same time, understanding the role of screening and allocation is essential for analyzing the ways in which social inequality is reproduced and reinforced in the contemporary society. हमारा जो मेजर फोकस होता है एज अ सोशल साइंटिस्ट वो ये देखना होता है कि माशरे के अंदर मौजूद जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इंडिविजुअल्स के लिए किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ पैदा कर रहा है तो ये जो अपॉर्चुनिटीज़ की पॉसिबिलिटीज़ होती हैं पोटेंशली इनहेरेंटली ही अन होती हैं यानी कि कंपटीशन शुरू होने से पहले ही जो है इस कंपटीशन के अंदर कुछ लोग जो हैं वो एडवांटेज़स पोजिशन के ऊपर खड़े होते हैं और बाकी लोग जो हैं वो पोटेंशली डिसडवानटेज पोजिशन के ऊपर हैं तो इस तरह से जब वही ये सब लोग मिलके जब जॉब मार्केट के अंदर जाते हैं वहाँ पे कम्पीट करने की कोशिश करते हैं तो ऑब्वियसली इसमें मार्जिन जो है वो उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनके पास ज़्यादा बेटर रिसोर्स थे और ज़्यादा अच्छी अपॉरचुनिटीज़ थी लाइफ के अंदर तो फूड फॉर थाट फॉर यू कि आप देखें कि पाकिस्तान के अंदर जो स्क्रीनिंग है और जो एलोकेशन का सिस्टम है ये किस तरह से फंक्शन कर रहा है इसके पोटेंशियल एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं